What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. लेक्चर काफी शानदार रहने वाला है, पर आप लोग इसको और भी ज्यादा शानदार बना सकते हैं अगर आप लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं इस लेक्चर के साथ में। तो करना क्या, आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता है और उसके बाद में आप लोगों को आंसर देना है और तब जाकर सॉल्यूशन देखना है। तो इसको अगर आप एक टेस्ट की तरीके से लेकर चलेंगे तो आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि आप लोग जो भी पॉलिटिकल लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग कितना अच्छे से उसको देख पा रहे हैं। और जो मैं आप लोगों को रिविजन करने के लिए बोलता रहता हूं, लगभग 100 से ज्यादा मैं यहाँ पर लेक्चर ले चुका हूँ पॉलिटिकल, वो भी सारे आप लोग समझ पाएंगे कि मैं वो क्यों बोलता रहता हूँ जब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो और देखिए एक्चुअल में आप लोगों को यही एग्जाम में करना है, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप लोग बैठेंगे अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर चीजें समझ में आएंगी और आप लोग एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल फील करेंगे। तो लास्ट डे जो होता है आप लोगों का, जो कि फाइनल डे होता है, उस टाइम पता चलता है आप लोगों ने पूरे साल क्या मेहनत की है। तो इस तरीके से अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग वहां पर भी अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। सेकंड बात मैं ये बोलना चाहूंगा, आप लोगों के लिए यहां पर कहने के लिए 10 क्वेश्चन रहेंगे, पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन यहां पर 30 से 35 हो जाते हैं, क्योंकि मैं ऑल ओवर यहां पर आप लोगों का जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है वो डिस्कस करके चलता हूं और कई सारे यहां पर वैसे भी क्वेश्चन पूछता हूं मैं इससे एक्स्ट्रा भी। तो इसलिए आप लोग वीडियो को वैसे मत बोला कीजिए ओनली 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ओनली आपकी मार्किंग के लिए है कि आप लोग 10 क्वेश्चन में से कितने मार्क आप लोग अचीव कर पाते हैं उसे आपको पता चल जाएगा आप लोग कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पर लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल देखेंगे तो क्वेश्चन काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अच्छे से वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और फिर अपने आप को देखिएगा आप लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। क्वेश्चन के जो आप लोग लास्ट में आप लोगों के मार्क्स आएंगे अच्छे आए चाहे बुरे आए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और अपने आपको देखेगा कि दूसरे के मार्क्स कैसे आ रहे हैं और कैसे आप लोगों को आगे बढ़ के चलना है। तो ये आप लोगों का एक प्रोसीजर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चीजों को लेकर आप लोगों को माइंड में कोई भी डाउट रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बात की जा रही है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन जैसा संविधान हमारा है तो ऐसा संविधान किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पॉलिटिक कंट्री जैसी हमारी कंट्री की पॉलिटी है क्या इसके लिए इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर जरूरी है, तो बात की जा रही है। तो क्वेश्चन को देखिए ढंग से, थोड़ा सा आप लोग अगर माइंड थोड़ा सा आप लोगों को आसपास के उदाहरण दो चार पता होगा तो आप लोगों कई बार ऐसा होता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन की नहीं है तब भी आप क्वेश्चन को निकालकर ले जाते हैं। बात की जा रही है डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन नॉट बी रन विदाउट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऐसा है। अगर आप लोगों के माइंड में उदाहरण है उस टाइम पर जब मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टार्टिंग में जब पॉलिटिकल लेक्चर दिया था उस टाइम पर मैंने आप लोगों को यूके का उदाहरण देकर समझाया था, आप लोगों को पता होगा। तो यूके का उदाहरण देकर समझाया था, क्या यूके में डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत शानदार डेमोक्रेसी है, किसी ने कहा यूके में डेमोक्रेसी नहीं है, पर यूके का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। जैसे ही आप लोगों की फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होती है तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों का आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर बिना आगे का क्वेश्चन पढ़े हुए भी आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि आंसर हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हमेशा, ये आप लोगों को बहुत फायदा, ये आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर, क्या जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो चांसेस कम कर देता है डिस्प्यूट के, मतलब जो लड़ाई होती है सेंटर या स्टेट के बीच में उसकी लड़ाई को कम कर देता है कोई भी किसी भी लेवल पर ऑर्गन के बीच में, क्या ये सही है। बिल्कुल सही है, अगर हम लोगों को पता होगा कि ये हमारा काम है, एक A4 साइज की शीट पर अगर हम लोग लिख लेते हैं कि हाँ ये काम तुझे करना है ये काम मुझे करना है तो उस टाइम पर आप लोगों को पता होता है प्रॉपर वे में, पर लेकिन अगर हम लोग मौके के लिए बोलेंगे यार ये काम तू कर लेना हो सके तो ये काम मैं कर लूंगा, फिर सामने वाला बोलेगा यार नहीं मेरा मन नहीं कर रहा ये काम भी तू कर लेना, तो उस तरीके से यहाँ पर लड़ाई होती हुई नजर आएगी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसेंशियल है फेडरल पॉलिटी के लिए, खासकर फेडरल पॉलिटी के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि कई सारे यहां पर आप लोगों को स्टेज देखने को मिलेंगे, सेंटर हो गया स्टेट हो गया और इसके बाद में आप लोगों को यहां पर नीचे वाला लेवल देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। उस टाइम पर मैंने आप लोगों को जब पंचायत पढ़ा रहा था मैंने आप लोगों को डिटेल में चीजें बताई थी कि पंचायत में क्यों लोग रोते रहते हैं, वहां पर इनको फंड प्रोवाइड नहीं कराया जाता इसकी वजह से वहां पर अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो देखते हुए भी चीजें यहां पर ढंग से नहीं हो पा रही है, लिखे हुए में भी यहां पर चीजें नहीं चल रही है, अगर कहीं पर लिखी ना हो चीजें तो आप लोग समझ सकते हैं इनकी कहानी खत्म कर दी जाएगी। ओके, तो ये आप लोगों को डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आंसर हो गया बी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके, और जिस टाइम पर मैंने आप लोगों को सोर्स वाली वीडियो दी थी कहां कहां से कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स निकल कर आते हैं उस टाइम पर भी ये बातें मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताई थी, और जुडिशियल रिव्यू वाली वीडियो में भी मैंने डिटेल में ये बातें डिस्कस की थी। जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है, पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ती है आप लोगों के माइंड में समझ में आ जाए कि क्या ये सही हो सकता है गलत हो सकता है। देखिए इंडिजीनियस आइडिया है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने इधर उधर से आइडिया उठाकर अपना बना रखा है, तो क्या इस तरीके जो कि जुडिशियल रिव्यू है कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी और ये सारी चीजें हम लोगों ने दूसरी कंट्री से यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आइडिया लेकर अपनी कंट्री में डाले हैं, तो इसके अंदर की चीजें क्या खुद का इंडिजिनियस व्यू हो सकता है, बहुत कम ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर हमारा इंडिजिनियस व्यू है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में फर्स्ट जो ऑप्शन हो गया आप लोगों के स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया। यहां पर नेक्स्ट बात की जा रही है कि ये फिर से वही बात निकल के आ रही है कि बहुत लंबे समय से हमारे जो नेशनलिस्ट थे
उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही थी, किस तरीके की चीजें होनी चाहिए, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या बात की जा रही है? सिविल डिसएबिलिटी मूवमेंट, वो तो हम पहले खत्म कर चुके हैं कि हमारा इंडिजिनियस व्यू नहीं है, तो सिविल डिसएबिलिटी मूवमेंट से कहां से निकल कर आ गया? ये आप लोग नॉर्मली क्वेश्चन फालतू में पूछा गया। अगर आप लोगों को पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाहर की कंट्री से आइडिया ले लेकर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो आप लोग ऑलरेडी यहां पर डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर को दे पाएंगे। कहां से लिया है? यूएसए में डेवलप हुआ था पूरा कॉन्सेप्ट, जहां से हम लोगों ने ये उठाया है, प्रॉपर अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट किया है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग बताइए, फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने किस कंट्री के आइडिया से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट का आइडिया लिया है, और फंडामेंटल ड्यूटी भी आप लोग बताइएगा। फंडामेंटल राइट इसलिए आप लोगों को बताना है क्योंकि फंडामेंटल राइट बहुत ज्यादा आपकी बार न्यूज में थे, जैसे राइट टू प्राइवेसी हो गया और सेक्शन 377 हो गया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी न्यूज में आ रही थी कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, और अब की बार आप लोगों को देखने को मिला कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट को बढ़ा भी दिया है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो फंडामेंटल राइट वाले सारे लेक्चर आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, पूरे डिटेल में डिस्कस किया है। इतने डिटेल में मैंने कोई चैप्टर और डिस्कस किया हो जितने में मैंने फंडामेंटल राइट डिस्कस किया, क्योंकि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होने के तहत फंडामेंटल राइट अपने पता होने चाहिए, और फंडामेंटल ड्यूटी, पढ़ाई अपनी जगह है पर एक लाइफ अपनी जगह है, तो आप लोग अपनी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है रिट्स के बारे में। मैंने आप लोगों को आर्टिकल 32 के तहत बताया था सुप्रीम कोर्ट की पावर है, और आर्टिकल 226 के तहत बताया था हाई कोर्ट की पावर है, अलग से पूरा लेक्चर इसके ऊपर लिया था। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो रिट्स इश्यू करने की बात आती है, तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो किस तरीके से क्या क्या इन्फोर्स यहाँ पर कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जो फंडामेंटल राइट होते हैं तो उसको इन्फोर्स करते हैं रिट्स के तहत से। आप लोगों को 5 रिट्स मैंने आप लोगों को बताई थी, कौन कौन सी होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, रिविजन भी आप लोगों का साथ साथ में होता रहेगा, ठीक है? तो इन्फोर्स करता है, बिल्कुल इन्फोर्स करता है भैया। नेक्स्ट बात की जा रही है क्या इन्फोर्स स्टैट्यूटरी राइट, हाँ ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं पहले हमारे यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, पर लेकिन फिर उसको हटा दिया गया था, तो उस तरीके से आप लोग देखते हैं उसको भी इन्फोर्स किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका भी जाकर रिविजन कीजिएगा, बताइएगा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने राइट टू प्रॉपर्टी यहां से हटाया था, तो आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा, और आप लोग देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ में चलते रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को जाकर क्वेश्चन भी देखने और वो वीडियो देख लेना, तो आप लोगों के माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ओके? तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है तो किस पे यहाँ पर बाउंड जो डिसीजन दिया जाता है, इनमें से कौन सी अथॉरिटी का डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर बाइंडिंग होता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो काम करना पड़ जाता है, तो इनमें से कौन है? ये फर्स्ट तो आता है आप लोगों को देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसके ऊपर अभी लेटेस्ट मैंने अभी लेक्चर खत्म किया है, दोनों के ऊपर पूरा जुडिशियरी सिस्टम मैंने आप लोगों को पढ़ाया यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया, लोक अदालत आप लोगों को देखने को मिलेगी, फैमिली कोर्ट देखने को मिलेगा, या फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राम न्यायालय भी, तो पूरा हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था उस टाइम पर, मैंने आप लोगों कई सारी यहाँ पर पावर भी बताई थी, तो उनमें से आप लोग देख सकते हैं जब दोनों के पास में पावर है ओरिजिनल आप लोगों को देखने को मिलेगी, और अपलेट यहाँ पर पावर कई सारी पावर डिस्कस की थी, तो कई सारे डिसीजन ऐसे रहते हैं आप लोग देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बोलता है सेंटर को कि हाँ ये काम आप लोगों को करना है, और सेंटर को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो काम करना पड़ता है, तो पहले वाला सही हो गया, जी हाँ बिल्कुल सही है। सेकंड बात की जा रही है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ही एक तरीके से स्टेपनी की तरीके से यूज की जाती है, तो यहाँ पर कैसे ये बाइंडिंग हो सकता है? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर आप लोग देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट ढंग से काम करता है किसके लिए, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये डिफेक्टो चेयरमैन माना जाता है राज्यसभा का, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया, वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट तो एक तरीके से ऐसे है कि हाँ अगर जैसे स्कूटर की स्टेपनी खराब हो जाती है ना, तो हम लोग साथ में रखते हैं एक और एक्स्ट्रा टायर, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी तरीके से हमारा प्रेसिडेंट प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट रहे, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट होता है हमारा प्रेसिडेंट, तो वो पोस्ट खाली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये ऐसे काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, पर अगर प्रेसिडेंट होता तो ये सही हो जाता, ये याद रखेगा आप लोग, ठीक है? तो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। यूपीएससी की बात की जाती है, यूपीएससी भैया एक एडवाइजरी बॉडी है, यूपीएससी कभी भी गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकती कि हाँ ये बात है आप लोगों को ये बाइंड करना है, क्योंकि अगर ऐसा करती तो पता नहीं कितने सारे ऑप्शन सब्जेक्ट हटा के पता नहीं क्या क्या कर चुकी होती यूपीएससी अकेले, और गवर्नमेंट को सारी बात माननी होती। यूपीएससी हमेशा एक एडवाइस दे सकती है कि आप लोग ये कर सकते हैं, ये सही है और ये गलत है, इसके अलावा यूपीएससी कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ पर उसका काम होता है एग्जाम लेना, तो वो एग्जाम लेती है, ओके? तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। तो देखिए आप लोग इतनी आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करके आप लोग क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है? आइए अब आगे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब से नीति आयोग पिक्चर में आया इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ पर, तो जरूर इसको क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। और हमने अपनी कंट्री में जीएसटी भी इंप्लीमेंट किया है, ठीक है? तो चलिए जीएसटी से भी क्वेश्चन याद आ जाता है। ये बताइए जीएसटी जो इंप्लीमेंट हमारी कंट्री में किया गया है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारी कंट्री में किया गया है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को बात की जा रही है यहाँ पर जब बात आती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, तो किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस टर्म को, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। और आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, और मैं श्योर हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में जरूर आएगा, तो इसके बाद में आप लोग वीडियो का आंसर देखिएगा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर कंपटीशन बढ़ाने के लिए अमंग द स्टेट्स,
क्या ग्रोथ और उसके लिए डेवलपमेंट के लिए कंपटीशन बढ़ाने के लिए। तो ये बात आप लोगों ने बहुत सुनी होगी कि हाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कई बार बोली है, पर ऐसी बात है क्या? आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्या आपको लोग कंपटीशन बढ़ाने जाते हैं वहां पर? नहीं ना, आप लोग क्या जाते हैं, आप लोग एक पोस्ट लेने जाते हैं, आप लोग जॉब करने जाते हैं, तो आप लोग उस तरीके से एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, ना कि कंपटीशन बढ़ाने। कंपटीशन तो अपने आप बढ़ जाता है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है, ना कि कंपटीशन बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रेजेंट है यहां पर। ठीक है, तो अपोजिट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इसलिए कंपटीशन है। सेकंड बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिवीजन पावर की जाती है सेंटर और स्टेट के लिए, इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ये भी आप लोगों को सेकेंडरी थॉट देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंटर और स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है, उसके बाद में यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलता है, ना कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इसकी वजह से सेंट्रल स्टेट की पावर डिवीजन की जाती है। जी हां, ये क्वेश्चन आप लोग मैक्सिमम ये आंसर लगा के आएंगे, मुझे पता है जिस तरीके से सोचा जाता है थोड़ा सा, पर लेकिन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा हल्का सा ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा रुक के वहां पर सोचेंगे ना, तो आप लोग उसमें कुछ ना कुछ, आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट पाएंगे जो कि हिडन इन्फॉर्मेशन है। तो ये भी नहीं होगा। देखिए, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है किसके बेस पर, कि इंडिविजुअल पर फोकस मैक्सिमम किया जाता है। आप लोगों को देखने को मिला फंडामेंटल राइट को सबसे ज्यादा पावर दे रखी है, और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं डीपीएसपी में यह बात समझाने की कोशिश की गई है कि फंडामेंटल राइट को आप लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। तो इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी पब्लिक के इंटरेस्ट की बात होती है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। सेंट्रल और स्टेट वर्क कर सकते हैं जॉइंटली रिजोल्व द इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, क्या यह बात है? जी हाँ, बिल्कुल सही यही बात है। ये मतलब होता है फेडरल, ये मतलब होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। आखिर ये आप लोग कहां देखने को मिलेगा, जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, आप लोग देख सकते हैं उससे यहां पर ये क्वेश्चन निकल के आएगा। कहने के लिए जीएसटी आप लोगों को इकोनॉमी में पूछा जाएगा, पर लेकिन यहां पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं पॉलिटी में भी आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन बन जाएगा जीएसटी का। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन देख के चलना है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन निकल के कहां से आ रहा है। आप लोग बोलेंगे कि यहां पर इस तरीके से, पर लेकिन आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं जीएसटी से कनेक्ट हो गया, क्योंकि जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बहुत शानदार तरीके से यहां पर यूटिलाइज किया गया है। बिना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आप लोग जीएसटी नहीं देख सकते थे, क्योंकि ये भी एक पोल, ये भी आप लोग देखने को मिलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट में यहां पर काम हो रहा था। हमारा सारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको एक टेस्ट में इकट्ठा किया गया यहां पर। ठीक है, तो ये बात यहां पर की जा रही थी। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट बात की जा रही है कि यहां पर कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाती है, यहां पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है स्टेट को, कंप्लीट ऑटोनॉमी तो कभी नहीं दी जाती है और ना ही कभी दी जाएगी कभी फ्यूचर में भी। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो काफी शानदार क्वेश्चन था, इसलिए इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को समझना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में, सॉरी प्रेसिडेंट से आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो सकता है। अभी आप लोगों को देखने को मिला हमारी कंट्री में दोनों ही लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं यहाँ पर, प्रेसिडेंट के भी और वाइस प्रेसिडेंट के भी, तो क्वेश्चन पूछना बनता है यहाँ पर, क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है। यहाँ पर बात की जा रही है डिस्क्रिशनरी पावर की प्रेसिडेंट की, जिससे प्रेसिडेंट खुद से अपना डिसीजन ले सकता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोग कंप्लीट लेक्चर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, सारी पावर मैंने आप लोगों यहाँ पर डिटेल लेक्चर में पढ़ाई है। लेक्चर के लिंक आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएंगे, जाकर आप लोग जाकर सारे पॉलिटी के लेक्चर वहां पर देख सकते हैं। लगभग 120 से ज्यादा लेक्चर आप लोगों वहां पर देखने को मिलेंगे। ओके, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं डिटेल में क्या क्या बात यहाँ पर की जा रही है। बात की जा रही है यहाँ पर कि क्या यहाँ पर प्रेसिडेंट को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई एडवाइस भेजती है, क्या वो उसको रिकंसिडर के लिए सेंड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सेंड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम अगर गवर्नमेंट करती है तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर करती है। अगर प्रेसिडेंट को कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो उसे रिकंसिडर के लिए सेंड कर सकता है। बिल्कुल सही बात बोली गई है, क्योंकि कल को इंसल्ट किसकी होनी है? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के नाम पर सारे काम हो रहे हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रेसिडेंट के पास में वीटो पावर है, ये डिटेल में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कौन-कौन सी पावर प्रेसिडेंट के पास में है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट के पास में वीटो पावर है, और वो बिल्कुल डिले भी कर सकता है। ठीक है, ये भी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेकंड सही हो गया, सेकंड स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की उसके पास में डिस्क्रिशन है, क्या आप लोग इसको ऐसा देखने को मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा देखने को मिलेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मेजोरिटी का जो भी लीडर होता है वो खुद अपनी जो गवर्नमेंट, जो भी यहां पर लीडर चुन, जो भी यहां पर जो मेंबर चुन के आता है वो अपना लीडर चुनते हैं खुद से। ठीक है ना, जिस तरीके से आप लोग प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं, तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर नहीं है यहां पर। खुद लेकर यहां पर जिसके पास में सबसे ज्यादा मेजोरिटी है वो आएंगे गवर्नमेंट के, प्रेसिडेंट के पास में, कहेंगे कि हमारा ये लीडर है और हमको गवर्नमेंट बनानी है। तो फिर देखा जाएगा कि हां कौन किस किसके पास में पावर है, तो वो बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो तीसरा क्या हो गया यहाँ पर? गलत हो गया। और जैसे ही तीसरा गलत होता है, ना तो ये हो सकता है और ना ये हो सकता है, और फर्स्ट टू आप लोगों को सही देखने को मिले, और जैसे ही फर्स्ट टू सही होते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल गया।
इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा डिसॉल्विंग ऑफ द लोकसभा। जी हाँ, लोकसभा डिसॉल्व कर सकता है अगर उसको दिखता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपना कॉन्फिडेंस लॉस्ट कर चुकी है, मतलब उसके पास में पूरे मेंबर नहीं है। उसके पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल कितने मेंबर चाहिए, तो आप लोगों को टोटल देखने को मिलेगा 272+1 आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लगभग 273 मेंबर आप लोग बोलेंगे यहां पर गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए। अगर इससे कम किसी के पास में मेंबर है तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिला कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तो गवर्नमेंट को यहां पर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। क्या राज्यसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। राज्यसभा के बारे में आप लोगों को कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस वाले पोर्शन से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की जाती है। मैंने दोनों के बारे में आप लोगों को जब फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के बारे में आप लोगों को लेक्चर लिया था, दोनों में कंपेयर करके भी दिखाया था किस किस में ज्यादा पावर दे रखी है और किस में कम पावर है, वो लेक्चर आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस टाइम पर मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी जिसको मैंने बोला था आप लोगों को ATM, आप लोगों को याद होगा ATM की जगह इसको ATMM कर देना था हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को वहां पर देखने को मिला, ये ATM क्या था वो आप लोगों को अभी बताता हूं। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले मिजोरम की बात की जा रही है, तो किस शेड्यूल के अंदर ये आ रहा है, तो क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा जिसने लेक्चर देख रहा है, सिक्स शेड्यूल के अंदर आता है। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर पंचायत जो सिस्टम होता है हमारा प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हमारा सिस्टम है, पर लेकिन जो ट्राइबल एरिया होते हैं उनका खुद का एक सिस्टम होता है, तो उनके सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर इस तरीके काउंसिल नजर आती है। ओके, तो उस टाइम पर मैंने आप लोगों को ये स्टेटमेंट दी थी ATMM यहाँ पर क्या था, आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। आप लोगों को ये याद रखने के लिए बोला था मैंने इस ATM में मनी नहीं है, मतलब इस ATM में आप लोगों को जो ATMM यहाँ पर देखने को मिला है इसमें मणिपुर नहीं है, जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, ये सारे एरिया काफी फोकस देकर चला जाता है जब सिक्स शेड्यूल का लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, खासकर ट्राइबल इश्यूज से रिलेटेड। तो ये लेक्चर आप लोग जाकर देख सकते हैं, आप लोगों को उस टाइम पर मैंने ये सारी चीजें बताई थी और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और एक बात और बता दूं, जितने भी क्वेश्चन में सारे डिस्कस कर रहा हूं ये सारे पास्ट में पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूं, अगर यहां पब्लिक का इंटरेस्ट आप लोग ऊपर रखेंगे ना कहीं पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आधे क्वेश्चन तो आप लोग वैसे ही करके ले जाएंगे क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारी सोसाइटी का वेलफेयर का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर ये इतनी सी बात भी आप लोग माइंड में रखेंगे ना तो कई क्वेश्चन निकाल के ले जाएंगे। बात की जा रही है यहां पर आप लोग देख सकते हैं विच आर द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेटेड टू द जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब होगा, जुडिशियरी एक्टिव हो गई, जुडिशियरी एक्टिव कब होगी, जब जब पब्लिक के इंटरेस्ट की बात आएगी तब तब आप लोगों को जुडिशियरी एक्टिव होती नजर आएगी यहां पर। तो बोला गया कि फर्स्ट क्या बोला गया कि जुडिशरी डिक्लेयर कर देती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो तब वो पिक्चर में आती है, और किस लिए पिक्चर में आती है, वो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए पिक्चर में आती है, वरना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए जुडिशरी यहां पर रखी गई है ताकि अगर पब्लिक के इंटरेस्ट को एग्जीक्यूटिव हार्म करती है तो यहां पर जुडिशरी आ सके। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग जो चिंदी चोर क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने जो लेक्चर मैंने पढ़ाया वो उनको रटा नहीं है, समझा है, और बार बार चिल्ला चिल्ला कर मैंने आप लोगों को बोला था कि रटना नहीं मेरा एक भी लेक्चर, समझना है, तो आप लोग समझेंगे तो आप आसान से उसको करके ले जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को लेक्चर देखने होते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा थोड़ा, अपने आसपास महसूस करने की कोशिश कीजिए चीजों को कि हाँ ये है क्या एक्चुअल में, तो तब आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे इलेक्शन हमारे कंट्री में चलते रहते हैं, तो बात की जाती है राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में, तो किस तरीके का सिस्टम हमारी कंट्री में यूज किया जाता है, उस टाइम पर मैंने आप लोगों को ये चीज भी डिटेल में बताई थी। तो बात क्या की जा रही है यहाँ पर, बात की जा रही है राज्यसभा में कौन सा इलेक्शन का सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारा यहाँ पर नॉर्मल इलेक्शन होता है उसमें हम दूसरा यूज करते हैं, पर राज्यसभा या फिर आप लोग बात कीजिए प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट में आप लोगों को सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब एक ही इंसान हर एक कैंडिडेट को वोट दे सकता है पर प्रेफरेंस के बेस पर। मान लीजिए चार कैंडिडेट यहां पर है ए बी सी डी, तो मैं बोलूंगा कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ए है, सेकंड प्रेफरेंस डी है, फिर सी है और फिर बी है, तो इस तरीके से हर एक कैंडिडेट की प्रेफरेंस देखी जाती है और फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा जिसको मिलती है तो वो आप लोगों को देखने को मिलता है वो कैंडिडेट यहां पर जीतता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके का सिस्टम आप लोगों को प्रेसिडेंट के फॉर्म में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह बात मैंने उस टाइम पर भी आप लोगों को बताई थी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहां पर यह सिस्टम होता है जो हमारी कंट्री में यूज किया जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में, और ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी या फिर हाई कोर्ट के जज के बारे में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला है प्रेसिडेंट को यहाँ पर रिमूव किया जाता है ऑफिस से, तो यहाँ पर जो प्रोसीजर रहता है इंपीचमेंट वो किस लिए रिमूव किया जाता है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए वर्ड ओनली भी लिखा हुआ जाए ना तो तभी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ओनली वर्ड भी कई बार यूज किया जाता है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन होता है तो तब यहाँ पर प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। आप लोगों को बताना है कि जब यहाँ पर चीफ जस्टिस, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेगा हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के या फिर जज जो हटाए जाते हैं उनको किस बेस पर हटाया जाता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन जरूर बताइएगा, ठीक है।
इसके अलावा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं मान रहा है प्रेसिडेंट, तो उसको भी आप लोग बोलेंगे कि हाँ ये वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये लिखा गया है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस अगर दी जाएगी तो उसको प्रेसिडेंट को उसके हिसाब से काम करना है। तो ऐसी ऐसी बात भी आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। टोटल आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गए, बताएगा आप लोग कितने मार्क्स मिले, और शर्माना बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन जो आप लोगों को मार्क्स देखने के बाद में यहां पर, क्योंकि आप लोगों को इसी से आप लोगों को जो आपके चक्षु खुलेंगे और तभी आप लोग आगे बढ़ते हुए यहां पर नजर आएंगे, आप लोग और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। पांच से तो कम से कम ज्यादा आप लोगों के मार्क्स होने ही होने चाहिए, मिनिमम 50% से, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, मिलता हूं मॉर्निंग में नैनो मैगजीन के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो, या फिर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है योजना भी, और क्वेश्चंस और आंसर और कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।